हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ मयूर वर्मा, आ गया हूँ एक और नए और फ्रेश ब्लॉग के साथ। तो अभी मैं आपको कुछ क्लिप दिखाऊंगा जो कि कल रात की हैं, मतलब रामायण जी के टाइम की हैं, जब रामायण जी चल रही थी। आप पहले उन्हें देखिए, मैं फिर बात करता हूँ आगे की। आशा करता हूँ कि आपको इन क्लिप को देख के मज़ा आया होगा। लेकिन भाई, इन क्लिप के बाद जो टाइम आता है, ये क्लिप थी लगभग 12 बजे के आसपास की, फिर टाइम आता है भाई 1 बजे से लेके 5 बजे तक का, है ना। तो भाई इस टाइम में पढ़ने रामायण जी पढ़ने वाला कोई नहीं, सिर्फ हम ही लोग को पढ़नी थी। मैं था और अतुल था और मेरा एक भाई था और एक अंकल थे। तो मतलब भाई सिर्फ हम ही लोग ने अपनी पूरी रामायण जी पढ़ी है 1 बजे से लेके 5 बजे तक, और रात भर नहीं सोए हैं, इसलिए मुझे आप अभी मैं दिख रहा हूँ आपको आधी नींद में, और रात भर नहीं सोए हैं। लेकिन हमने पढ़ी और काफ़ी मज़ा भी आया, है ना। और फिर सुबह 5 बजे के बाद एक पंडित जी आए, और पंडित जी ने फिर क्या तो रामायण जी पढ़ी है भाई, क्या ही रामायण जी पढ़ी है, बिल्कुल मज़ा आ गया। जितनी भी थकान थी रात भर की, जितनी भी नींद थी रात भर की, सब उड़ गई, एकदम मज़ा आ गया, बिल्कुल बहुत ही आनंद आ गया भाई। उन्होंने क्या ही रामायण जी पढ़ी, 1 घंटे पढ़ी उन्होंने, लेकिन बहुत सही पढ़ी। उसके बाद फिर घर वाले आ गए थे, और भी लोग आ गए थे, उन लोगों ने पढ़ी, फिर हम लोग आके घर पर थोड़ी देर सो गए, और अभी फिर से काम में लगे हुए हैं, क्योंकि आपको पता ही है कल भी प्रोग्राम है, मंडे को, सोमवार को, 16 सोमवार का, सभी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे खाना खाने को आएंगे। अभी मेहमान भी हैं घर में बहुत सारे, है ना, तो उनकी व्यवस्था बनानी है और बहुत सारे काम है। जस्ट अब भी इस्लामाबाद से आया हूँ, और भी बहुत सारे काम है। तो मैं क्या है कि आज के ब्लॉग को ना यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। आपको आप देखिए कल क्या क्या होता है, है ना, 16 सोमवार के व्रत में क्या क्या होता है। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, कीप लविंग, कीप वॉचिंग।